हेलो दोस्तों, आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। वॉल्यूम थोड़ा कम कर देता हूँ, मेरा लेक्चर स्टार्ट हो गया एमबीए के। अभी मेरे उठा नहाया धोया, मैंने पूजा किया, भगवान को दिया वगैरह लगाया, अगरबत्ती लगाया और ब्रेकफास्ट तो मैंने उठते ही कर लिया क्योंकि इतना भूख लगा था। पर हमने बना ली थी हमारी एस्प्रेसो कॉफ़ी, जो कि मैं उठते ही मुझे एक कप चाहिए ही चाहिए होता है, तब जाके मेरा दिमाग थोड़ा एक्टिव होता है और दिन में कुछ काम मेरे दिन शुरुआत होती है मेरी। कल रात में तो सोचा था मैंने कि PS4 खेलूंगा, बट असाइनमेंट करते करते ही नींद लग गया और फिर सो गया। दोस्तों मेरा जो दिया है ना, ये चांदी का है एक्चुअली, बट ये देखो दिया लगा लगा के ना पूरा ये काला हो चुका है। तो अगर आपको पता होगा इसको साफ कैसे करते हैं ना, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। देखो दोस्तों, अंदर मैंने जैसे पेड़ को ला के रखा ना, आई थिंक 5-6 दिन हो चुका है इसको अंदर ला के रखने के लिए। देखो पुदीना फिर से आना स्टार्ट हो गया है। देखो झाड़पूरा पहले सूख गया था, मैंने बाहर रखा था, धूप इतना है ना बाहर, तो ये पूरे पत्ते सूख गए थे। और ये भी देखो मैंने छाड़ दिए थे 2 दिन पहले, इसको ऊपर के जो फूल थे सारे छाड़ दिए और अभी देखो ग्रीन पत्ते आ रहे हैं देखो यहाँ पे। तो अभी मैं थोड़ा खुश हो गया, अच्छा हुआ मैंने इसको अंदर ला के रखा। और मैं भी शायद आने वाले कुछ वीक्स में फिर से ये रिकवर हो जाएगा अच्छे तरीके से। हेडफोन को चार्जिंग को लगाना पड़ेगा। यूजुअली मैं जो क्लासेस है वो हेडफोन लगा के करता हूँ, बट इसका जो केस है ना, केस में अगर इसको नहीं रखा तो ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसको लगा देते अभी चार्जिंग के लिए, ताकि ये आधे घंटे में चार्ज हो जाएगा। तो जिम में भी मैं यही हेडफोन यूज़ करता हूँ, तो अगर ये चार्ज नहीं होगा तो मेरा वर्कआउट तो विदाउट हेडफोन होता है नहीं। अभी पता है क्या होता है, पहले तो हमें कैमरा ऑन करना पड़ता था लेक्चर करते वक्त, अभी तो मैंने ऑफ करके रखा है। बट इन्होंने क्या करके रखा है, अभी नया सिस्टम ऑन करके रखा है, पोल। यानी आपके लेक्चर चल रहे हैं ना, तो हर 15-20 मिनट में आधे घंटे में ये पोल आएगा स्क्रीन पे आपके, और आपको पोल पे वो ओके बटन दबाना पड़ेगा, ऑप्शन चूज करना पड़ेगा और यस दबाना पड़ेगा। इसका मतलब कि आप भले आपका कैमरा ऑफ है, आप प्रेजेंट हो क्लास के अंदर, तो आप आपका सिस्टम छोड़ के जा नहीं सकते कहीं पे। तो हो गया अभी एक लेक्चर हमारा खत्म, अभी ब्रेक हुआ है 15 मिनट का। और अभी जस्ट मुझे क्लिक हुआ है कि मुझे जो गार्बेज था वो बाहर ले जाके रखना है। जापान में यही दिक्कत है, आपका जो गार्बेज है ना आपको घर में जमा करके रखना पड़ता है, और जो दिन आता है उस दिन आपको बाहर ले जाके रखना पड़ता है। और अगर बहुत दिन हो गया घर के अंदर ही कचरा, तो वो बदबू भी मारने लगता है, अजीब सा स्मेल आने लगता है कचरे का भी घर के अंदर ही, तो उसको बाहर ले जाके रखना ही पड़ता है। आज तो नहीं है वैसे कचरे का दिन है, बट हम आज ही रख देते हैं बाहर लाके यहाँ पे। परसों पता है दोस्तों क्या हुआ था, मेरी साइकिल जो है ना उसका जो फ्रंट वाला चक्का है ये वाला, ये ढीला हो गया और ये हिलने लगा। मैं क्या हो गया है, तो मैंने फिर बाद में हाईवे पे ही मैं उतरा और चेक किया कि भाई चक्का क्यों हिल रहा है पहला, तब पता चला मुझे कि ये ढीला हो गया था। क्योंकि ये जो है ना देखो यहाँ पे खुल जाता है इस तरीके से, अभी तो टाइट टाइट करके रखा है मैंने, बट ये ना नट है यहाँ पे, और इसको बस घुमा के आप ऐसे दबा दो यहाँ पे तो चक्का फिट हो जाता है। बट ये ना थोड़ा लूज हो गया था, अच्छा हुआ मुझे समझ में आ गया, वरना ये चक्का आगे निकल जाता और ये साइकिल मेरी ऐसी नीचे चले जाती, मैं भी शायद कुछ घटना होते होते बच गई। इसको थोड़ा मुझे ऑयलिंग भी करना पड़ेगा। देखो पिछले हफ्ते बारिश आ रहा था ना, तो बारिश के चलते देखो यहाँ पे पूरा जंग खा चुका है, ये ऑयलिंग भी करना पड़ेगा इसको। भाई साहब कितने दिनों के बाद में मुझे यहाँ पे छोटा सा पंजी दिखा है, ये चिमनी बोलते हैं शायद इसको, चिमनी है क्या, कैसे चुपचाप बैठी देखो ना, ये बच्चा लग रहा है मुझे शायद। वाओ इसको खाना दो क्या, प्यास लगी होंगी इसको, मैं पानी ला के देता हूँ एक मिनट, बस वो मैं आने तक चली ना जाए। मैं एक छोटा सा बाउल लाता हूँ, उसको देता हूँ पानी, अगर पानी पी लिया इसका मतलब उसको प्यास लगी है। ये हमने बाउल ले लिया अभी किचन में से, और मेरे घर के बाहर वो नल है ऐसा, उसमें से हम पानी भर लेते हैं, फ्रेश पानी वैसे तो ये वाला, यहाँ पे नल है ना इसमें से पानी ले लेते हैं, ठंडा है पानी। ओ भाई साहब तो बहुत ही गर्म है, नहीं अब ठंडा आया, तो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा गर्म आ जाता है, भर लेते हैं इसको। आई होप वहाँ पे है वहीं वहीं बैठी हुई है, पी ले पानी बस, ये ले बच्चा पानी पी ले, पी ले बस, गिर मत जाना ही है भाई, उड़ मत, अरे यार उड़ गया उड़ के चले गया वहाँ पे, वो वहाँ पे पंछी चिल्ला रहा है ऊपर जोर जोर से। ओ भाई साहब क्या जोर जोर से चिल्ला रहे हैं वो, क्या हो गया। मैंने ना वो वहीं पे छोड़ दिया, क्या बोलते बाउल पानी के अंदर, अगर प्यास वगैरह लगी होंगी तो आ जाएंगे पीने के लिए। हम जाते अभी अंदर, बहुत जोरों से गर्मी लग रही है बाहर, भयंकर वाली गर्मी है।
बहुत ज्यादा, दरवाजा खोलो नहीं कि पूरा रूम इधर गर्म हो जा रहा है। अरे क्या हालत खराब हो जाती है गर्मी में यहाँ पे। अभी ज्वाइन करते हैं हमारा दूसरा लेक्चर। दोस्तों अभी हमारा जो लेक्चर है वो दिन के ख़त्म हो चुके हैं, अभी हुआ है लंच ब्रेक इंडिया के टाइम के हिसाब से, और यहाँ के शाम के अभी बज रहे हैं 5, तो एक डेढ़ घंटा भी मुझे छुट्टी है। और मैं इसे भी जापान के फेस्टिवल्स देख रहा था कि मेरे एरिया में और कौन कौन से यहाँ पे समर फेस्टिवल्स है, क्योंकि समर में यहाँ पे बहुत फेस्टिवल चालू रहते हैं। और मुझे पता है क्या मिला, मेरे घर के पास में फेस्टिवल चल रहा है। जैसे कि आपने लास्ट कुछ दो व्लॉग पहले देखा होगा कि हम बोन ओदोरी फेस्टिवल देखने के लिए गए थे, जहाँ पर वो ड्रम बजाते हैं और सर्कल बना के लोग वहाँ पर डांस करते हैं। और मुझे पता चला कि मेरे घर के पास में 5 मिनट की दूरी पे एक श्राइन है और वहाँ पर भी ऐसा एक फेस्टिवल हो रहा है, जो कि मुझे अभी पता चला। तो मेरे घर के पास में देखो यामातोचो हाचीमान श्राइन है, जो कि साइकिल से 2 मिनट यानी 700 मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ से अभी हमें स्ट्रेट जाना है उस श्राइन की तरफ। अभी जा रहे हैं हम गलियों गलियों से। यूजुअली ये एरिया में मैं साइकिल लेके कभी आया हूँ नहीं। अब यहाँ से गूगल मैप लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ से रास्ता मुझे पता है नहीं। ये बच्चा भी साइकिल चला रहा है, अभी छोटी, पापा खेल रहे हैं उसके साथ में। ये अंकल अभी लेके निकले अपना कुत्ता। जापान में सबके पास में कुत्ते होते हैं और शाम के टाइम पे सब निकलते हैं उनको घुमाने के लिए। मुझे लगता है हमने रॉन्ग टर्न ले लिया है, हमें वहाँ से राइट लेना था और हमने लेफ्ट ले लिया है। तो जाते अभी पीछे मुड़ के, यहाँ से हमको राइट लेना है। ये अंकल भी वहीं जा रहे हैं उस मंदिर में। यहाँ तो मैं कभी आया ही नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम इन गलियों से मैं अभी जा रहा हूँ। और यहाँ पे भी देखो घर का काम चल रहा है शायद, ये उन्होंने पूरा ग्रीन कलर का यहाँ पे लगा के रखा है शीट। और ये है जापान की गलियाँ, देखो कितनी क्लीन है, कहीं भी आपको कुछ कचरा नहीं दिखेगा। और यहाँ पर भी देखो इस तरीके से साइन लगे हुए हैं स्टॉप के। आप गलियों से भी अगर ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। एक सेकंड यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमको लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। यहाँ से हमको लेना है लेफ़्ट। अच्छा पहले चेक कर लिया, वरना फिर से आना पड़ता था। ओह यहाँ भी है देखो झंडू के फूल, जो हम दिवाली के दिन नहीं लगाते पूरे घर में, यहाँ भी दिख जाते हैं मुझे देखो ऐसे। और कोई तोड़ता नहीं है देखो, ये बाहर ही लगे हुए हैं बट कोई तोड़ता नहीं है यहाँ। और मुझे पता ही नहीं था इतने, कितना एक साल हो गया मुझे एरिया में रह के, बट इतना बड़ा श्राइन मेरे घर के पास है ये मुझे भी पता नहीं था। बट अभी समर फेस्टिवल चल रहा है ना, तो जापान में हर श्राइन में जितने भी श्राइन्स हैं ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ फेस्टिवल अभी चालू ही है। अगर आप कोई भी श्राइन में चले जाओ, गो गो गो, मेरे लिए रुके थे अंकल ये। मैंने बोला उनको चले जाओ आप पहले, क्योंकि जापान में जो फोर व्हीलर वाले होते हैं ना, वो पहले प्रेफरेंस देते हैं जो पैदल चल रहे हैं उनको, और दूसरे जो साइकिल पे चल रहे हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे मिलता है, और उसके बाद में फिर फोर व्हीलर वाले। नहीं ये कोई और ही बंदा है, ये वाला श्राइन नहीं है, स्कूल के बच्चे लग रहे हैं मुझे, हाई स्कूल के। ओ ये ब्रिज है यहाँ पे, छोटा सा ब्रिज लगा है हमको, नाला एक्चुअली, बट कि नाले भी काफ़ी क्लीन होते हैं। म्यूज़िक की आवाज़ तो आ नहीं रही है क्योंकि हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। और मुझे लग रहा है ना ये जो लोग वहीं जा रहे हैं शायद, तो देखो छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि किमोनो पहन के, समर के कपड़े पहन के जा रहे हैं, तो ये शायद सारी भीड़ जो है वहीं जा रही है। अब आ रही आवाज़, आपको आ रही आवाज़? स्टार्ट हो गया मेरे हिसाब से। पहुंच गए हम उस श्राइन के पास में, हाँ ये इधर ही है, बगल में ही है हमारे राइट साइड में। और ये सिक्योरिटी गार्ड, और यहाँ पर साइकिल की पार्किंग लगा देते, देखो जिन्होंने भी साइकिल लाई है वो सब अपनी यहाँ पे पार्किंग को लगा रहे हैं। अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह है या नहीं है। गाइड कर रहा है दुख दिशा, हाय अरे जमास। यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड भी बड़े प्यारे होते हैं। साइकिल की पार्किंग है यहाँ पे, वाह फ्री में। यहाँ पे लगा देते साइकिल, बट अनफॉर्चुनेटली अभी मैंने मेरा लॉक की चाबी लाई नहीं है। आई होप कुछ चुरा के ना ले जाए मेरी साइकिल यहाँ से। तो दोस्तों पहुँच गए हम फाइनली श्राइन के पास में, और यहाँ पे स्टॉल लगा है लोगों का खाने के लिए। तो देखो यहाँ पे भीड़ लगी है, लोगों की लाइन लगी है खाने पीने के लिए। अभी जाते हैं अंदर, आपको दिखाता हूँ मैं श्राइन और जो फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे बोन ओदोरी। ओ भाई साहब ये कुछ अलग ही वाइब है यहाँ पे। वाओ
गिटार गिटार बजा रहे हैं यहाँ पे, तो लाइव म्यूजिक चल रहा है मेरे हिसाब से। लाइव म्यूजिक है चल रहा है दोस्तों यहाँ पे। ये एक्चुअली बोल उदोरी फेस्टिवल लाइव जो बैंड होते हैं डीजे वो यहाँ पे आते हैं। यूजुअली जो ट्रेडिशनल बोल उदोरी फेस्टिवल होता है वो पुराने जैपनीज गाने बजाते हैं, बट यहाँ पे जो बोल उदोरी फेस्टिवल हो रहा है वो ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न, यानी जो डीजे होते हैं यहाँ के जापान के फेमस डीजे हैं वो यहाँ पर आए हैं और लाइव म्यूजिक बजा रहे हैं, और लोग यहाँ पे सर्कल में अभी डांस कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे लोगों की भीड़, ये सारे मेरे घर के आसपास में जो रहते हैं पूरे एरिया में सारी यहाँ पे आ चुकी है। कोई दूसरा बैंड आ रहा है शायद यहाँ पे, वो वहाँ पे कोई भी खड़ा है बोल रहा है कुछ तो भी। और अभी दूसरा बैंड आने वाला है यहाँ का फेमस, और यहाँ सेंटर में स्टेज में आके वो बजाने वाले, और फिर से लोग यहाँ पे सर्कल में डांस करने वाले हैं। और एक बंदा दिखाता हूँ मैं, देखो यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो एकदम अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के आए हुए हैं, ये देख लो एकदम ट्रेडिशनल थोड़े फनी वाले भी। और ये बंदा देख लो, इसने ना पूरा जापानीज टाइप का कॉस्ट्यूम पहन के आया है, कितना सही लग रहा है। पहना क्या है मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, बट किमोनो समथिंग है और साथ ही में कुछ मिक्स कर दिया इन्होंने। वाह बड़ा ही सही लग रहा है। स्टेप कैसे पता है, तो बीच में जो तीन लोग खड़े हैं ना, ये इनको देख के लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं डांस करने को। डीजे बच्चे कॉस्ट्यूम पहन के आए, देखो वाओ खेकड़ा है क्या वाओ। साइड में दोस्तों जो श्राइन, छोटा ही श्राइन, ज़्यादा बड़ा है नहीं। और यहाँ पर देख लो एंटर करते ही यहाँ पे पहले आपको पहले हाथ धोना पड़ेगा, जैसे बच्चे देख रहे हो अपने हाथ धो रहे इस तरीके से हर श्राइन में आपको मिल जाएगा। और ये है श्राइन अचीमान श्राइन, इस तरीके से यहाँ पे मंदिर होते हैं। और ये देखो ये यहाँ भी देखो लोग अपनी विश लगा के रखते हैं इस तरीके से। और यहाँ भी एक छोटा सा श्राइन है, बट आज पता नहीं लोग इस श्राइन के अंदर ही खाना खा रहे हैं, वैसे अलाव है नहीं। यहाँ भी छोटा सा श्राइन है वाह। और इस तरीके से घंटी होती है देखो यहाँ पे हर मंदिर में, और इस पर कुछ लिखा हुआ भी है, ऊपर ऐसे घंटी होती है। और यहाँ पे दक्षिणा पेटी भी है लगी हुई, और फ्रूट्स वगैरह देखो हमारे इंडिया में भी भगवान को फ्रूट्स वगैरह हम चढ़ाते हैं ना प्रसाद में, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने प्रसाद में देखो एप्पल और करेला टमाटर सब चढ़ा के रखे हैं।
और यहाँ भी देखो स्टॉल लगे हुए खाने के लिए, अगर आपको कुछ जूस वूस लेना है। ओह यहाँ पे गोले मिल रहे हैं, देखो बर्फ़ के गोले मिलते हैं यहाँ पे। वाओ। और आगे भी यहाँ पे देखो बहुत से स्टॉल लगे हुए हैं। पर एक बात है, यहाँ पे मंदिर में भी लोग ना देखो बियर पे रहे, सबके हाथ में ना आपको बियर की बोतल एक दिख ही जाएंगी। तो यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आप मंदिर में भी जा रहे हो, रोड पे भी जा रहे हो, तो आप बियर यहाँ पे बहुत अल्कोहल इन शॉर्ट बड़ा ही कॉमन है। और यहाँ पे देखो देखो इस तरीके से मंदिर के अंदर यहाँ पे अल्कोहल बेच रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल स्टाइल जो नूडल्स है ना जापान के, वो यहाँ पे अभी बेच रहे हैं। नूडल्स, हक्का नूडल्स आंटी बना रही है। 600 इनका है देखो। और यहाँ पे लोगों की देखो लाइन लगी है इसको खाने के लिए, कितनी लंबी लाइन है देख लो पीछे तक एकदम। जापान में लोग लाइन लगा के ही सब चीज़ें करना पसंद करते हैं। ओ भाई साहब देखो कहाँ तक लाइन लगी हुई है, यहाँ तक लाइन है लोगों की वो नूडल्स खाने के लिए। वो यहाँ पे बुड्ढी के बाल जो होते हैं ना हमारे, शुगर कैंडी जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे ले रही है और अपने आप से बना सकते थे। कोई बच्चा अपना खुद से शुगर कैंडी बना रहा है। वाह सही है। और एक शुगर कैंडी की प्राइस दोस्तों 500 येन, यानी 300 रुपए का एक शुगर कैंडी है भाई साहब, इतना महंगा है। बढ़िया फेस्टिवल है ये, मेरे घर के पास नहीं था, पता नहीं था अच्छा होगा, आज मैंने चेक कर लिया और मुझे पता चल गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग है श्राइन के अंदर ही। और एक्चुअली इसमें डिफरेंस क्या है, जो हमने दो दिन पहले यहाँ पे देखा था ना फेस्टिवल, ओबोन फेस्टिवल, वो थोड़ा अलग था, वो ट्रेडिशनल जैपनीज स्टाइल था, ये भी जैपनीज स्टाइल ही है, बट इन्होंने इसमें थोड़ा डीजे वगैरह ऐड कर दिया। तो यहाँ पे लोग वो डीजे इस पे डांस वगैरह कर रहे थे। देखो छोटी बच्ची ने किमोनो पहन के आया है, कितना प्यारा लग रहा है। आज तो सब बच्चे किमोनो शिमोनो पहन के आए यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया है। ओ देखो मैं बाहर निकला यहाँ से तो मुझे एक दूसरा मंदिर दिखा। यहाँ पे जापान में ना गली गली में मंदिर होता है इस तरीके से। देखो यहाँ पे भगवान को कपड़े भी पहनाते, जैसे हमारे इंडियन भगवान को नहीं होता है पोशाक हम बोलते हैं उनको, वैसे ही यहाँ पे जापनीज़ भगवान को भी पोशाक पहनाते हैं। यहाँ भी एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ भी देखो भगवान को रेड कलर के पोशाक पहना के रखे हैं। ये देख लो छोटी बच्ची कितना प्यारा सा किमोनो पहना है, भगवान को पैर पड़ रही है, बाय कर रही थी। वाओ चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, फिर से हमारे लेक्चर सभी स्टार्ट होने वाले हैं। देखो अभी 6 बजने को आ चुके हैं और 6:15 को हमारे लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं। यार मैंने साइकिल कहाँ रखी थी, मुझे अभी मिल नहीं रही है ये साइड में रखी थी कि यहाँ रखी थी, क्योंकि मैं पीछे के गेट से बाहर आया हूँ, मुझे ढूंढना पड़ेगा अभी। इसका जो फ्रंट गेट था मेरे हिसाब से सामने से हमको जाना पड़ेगा, और साइकिल को हमने लॉक नहीं लगाया है, तो आई होप साइकिल हमारी सही सलामत रहे वहाँ पे। ये आंटी देख लो अभी ना बारिश आ रही है ना धूप है, स्टिल छाता लेके निकली है। आगे फाइनली हम हमारे पार्किंग एरिया में, और देखते हैं हमारी साइकिल यहाँ पर है या नहीं। आई होप होना चाहिए। लकीली थैंक गॉड, मुझे डर लग रहा था कि भाई साइकिल गायब ना हो जाए यहाँ से। ये देख लो बच्चे किमोनो शिमोनो पहन के आए हैं, युकाता और किमोनो, क्यूट लग रहे हैं काफ़ी। और ये उनकी मम्मी हैं। मुझे दोस्तों एक कमेंट आया था कि जापान में स्केटबोर्डिंग बच्चे करते हैं क्या नहीं है, बट हाँ देखो यहाँ पे करते हैं, रेयरली होता है यहाँ पे, बट कुछ कुछ जो होते हैं यंग बच्चे वो यहाँ पे करते थे। चिकाई कौन चिकाई थे इसका, खावा खावा कुछ थे इसका कुछ अपने जिसने नान सही इसका माँ झूल। हाँ तो पहुँच गए दोस्तों घर पे अभी, और यहाँ पे देखो मैंने लगा के रखा है ये वाला जो पानी का ग्लास है, सॉरी पानी का जो बाउल है, वो अब मैं सोच रहा हूँ यहीं पे रखूँगा, ताकि जो पंछी वगैरह आते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे रुक के वो एटलीस्ट पानी तो पी ले, क्योंकि गर्मी बहुत है बाहर। आप भी आपके घर के बाहर कोई छोटा सा पानी का बाउल वगैरह रख देना, क्योंकि गर्मी की वजह से उनको पानी नहीं मिलता ना। अच्छा हो गया दोस्तों हम उस फेस्टिवल से जल्दी आ गए, क्योंकि अभी बाहर चल रही है, ओ भाई साहब जोरदार बारिश चल रही है बाहर, देख लो अभी एकदम बिजलियाँ कड़क रही थी और ज़ोरदार बारिश भी स्टार्ट होगी। पूरा पोपट हो गया दोस्तों। आज मैंने बोला था ना आपको क्विज़ वगैरह है, क्विज़ तो था मेरा, बट जो आखिरी के लेक्चर्स है ना, एक लेक्चर एक्स्ट्रा ले लिया, एक्सटेंड कर दिया उसको 10:30 बजे तक, और फिर जो क्विज़ था वो 10 बजे स्टार्ट कर दिया, यानी जापान के टाइम के हिसाब से। इंडिया में तो शायद 6:30-7 बजे होंगे, अब उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई मैं भी मेरा टाइम जोन आगे है 3.5 घंटा इंडिया से। तो अभी जस्ट वो क्विज़ ख़त्म किया मैंने जल्दी से, 30 मिनट का था, 15 मिनट में ख़त्म किया। और जो जिम है मेरा वो 11:15 बजे बंद होता है, 11:30 बजे से बंद होता है, बट
15 मिनट पहले हमको जिम एक्सरसाइज कर नहीं सकते, चेंजिंग रूम में जाके हमको बैग वगैरह जमा के निकलना होता है। तो अभी मेरे पास में बस 45 मिनट्स है। मैंने से सोचा था कि नहीं आऊँगा, बट मेंटली मैंने सोचा कि नहीं है 45 मिनट जाएंगे। वैसे तो मुझे आज बैक करना था, काफ़ी हेवी वर्कआउट, बट अब 45 मिनट में तो बैक होने वाला है नहीं मेरा, तो मैं करूँगा अभी ओनली बाइसेप्स। सुपर सेट लगाऊँगा, ट्रिपल सेट लगाऊँगा और 45 मिनट में ट्राई करूँगा जल्दी से ख़त्म करने का। तो अभी हम पहुँच गए हमारे जिम के सामने, तो जल्दी से करते हैं अभी वर्कआउट ख़त्म और मैं मिलता हूँ आपको 45 मिनट्स के बाद में। हो गया दोस्तों हमारा वर्कआउट ख़त्म, अभी रात के बज रहे हैं 11:30, बट अभी हम घर नहीं जा सकते क्योंकि ये देख लो अभी चल रही है ज़ोरों से बारिश, 100% बारिश चल रही है। क्योंकि जब मैं घर से निकला था तब भी हल्की फुल्की बारिश आ रही थी, भीगते भीगते मैं आया था, बट अभी देख लो ज़ोरदार बारिश चल रही है। मैं बिल्कुल अभी इस बारिश में घर पे तो जा ही नहीं सकते, पूरा गीला हो जाऊंगा मैं। ये देख लो अभी वेदर में भी बता रहा है थंडरस्टॉर्म चल रहा है ज़ोर से और बारिश चलने वाली अभी 12 बजे तक तो 95% बता रहा है और 1 बजे तक 25%। मुश्किल लग रहा है मुझे अभी यहीं फंस के बैठे, क्योंकि ये देखो जो भी अभी आ रहे हैं ना अंकल वगैरह अभी यहीं पे रुके हुए, इन्होंने छाते लाए ही नीचे घर से, ये अंकल भी यहीं रुके हुए। सबकी फजीती होने वाली है आज घर जाने की। ये अंकल ने छाता लाया, सही है, इनको पता था बारिश आने वाली है। ये अभी वॉचमैन ने हमको बाहर निकाल दिया है, वो बोला है कि टाइम ख़त्म हो गया अंदर रुकने का, तो अभी हम आ चुके हैं बाहर। यहीं रुके अभी, गीले हो रहे थोड़े बहुत। जाना है अंकल ने तो पहन लिया अपना रेनकोट, मेरे पास तो नहीं, इतने देर उनके पास में रेनकोट था, उन्होंने पहना क्यों नहीं समझ भी नहीं आया मुझे, आधा एक घंटा यहीं पे रुके उसके बाद में रेनकोट पहन के गए। तो दोस्तों फाइनली गीले होके घर पे हम आ गए हैं, आके थोड़े मैंने अपने आप को थोड़ा सुखाया और खाना वगैरह बनाया, खाना खाया और अभी जाके थोड़ा सेटल हुआ हूँ। रात के अभी बज रहे हैं 1:45। अब आप में से दोस्तों मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं टाइम कैसे मैनेज कर लेता हूँ, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करता हूँ, मैं ऑफिस का काम करता हूँ, वीकेंड्स को MBA करता हूँ, व्लॉगिंग करता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ, साथ में जिम भी करता हूँ और दो चार चीज़ें और करता हूँ मैं, तो ये कैसे कर लेता हूँ। तो आज शायद आपने देख लिया होगा कि मैं कैसे टाइम मैनेजमेंट करता हूँ, आपको एक थोड़ा सा उसमें से हिंट मिल गया हो। और दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं डेली व्लॉगिंग करने वाला, और मैंने आपको कमेंट करने के लिए भी बोला था कि आप क्या चाहते हो मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, 10-15 मिनट के वीडियो बनाऊँ या फिर 20-25 मिनट के बना के एक एक अल्टरनेट डेज डालूँ। तो मुझे ना मिक्स कमेंट्स आए, काफ़ी लोगों ने बोला कि डेली व्लॉग करो, काफ़ी लोगों ने बोला कि अल्टरनेट डे करो, 20-25 मिनट की वीडियो उनको देखना पसंद है, उनको 10-12 मिनट के वीडियो नहीं देखना है। तो मैं सोच रहा था कि अब करूँ तो क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि मैं दोनों चीज़ें करूँगा, मुझे जितना पॉसिबल होता है मैं डेली व्लॉग करूँगा और जिस दिन मुझे पॉसिबल नहीं हुआ, जैसे कि आज एडिटिंग करने बैठा हो, अगर शायद अगर कल तक एडिट नहीं हो पाया मेरा वीडियो तो मैं उसको एक दिन बाद डालूंगा। तो चलिए दोस्तों अभी थोड़ा देर में करता हूँ वीडियो को एडिट और फिर सोते हैं और मिलता हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।